मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी द्विवेदी आज इस कार्यक्रम के संचालन के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है और हमारी ये जो बहुत सुंदर सी संध्या सजाई गई है, ये 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित है। आज का जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से हमारे देशवासियों के लिए, हमारे उन शहीदों के लिए, हमारे उन वीरों के लिए, हमारे उन रणबांकुरों के लिए है जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। हम लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा, कभी फिल्मों के माध्यम से तो कभी कविताओं के माध्यम से जाना। इन बातों के बीच में जिस बात का बहुत रोल है, बहुत बड़ा स्थान है, वो साहित्य है। साहित्य इतनी सारी कहानियां बता देता है और इतनी बातें हमारे मानस में अंकित करके जाता है कि वो बहुत दिनों तक अंकित रहती हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा होगा अपने उसमें छात्र जीवन में, या हमारे गुरुदेव ने या हमारे साथ के साथी ने जो कहानियां बताई होंगी, जो किसी के बारे में, हम भगत सिंह को देखे नहीं हैं लेकिन हम भगत सिंह को बहुत जानते हैं। हमने कभी आज़ाद को नहीं देखा लेकिन आज़ाद को हम जानते हैं। आज़ाद को चूंकि हम जीते हैं, हम उस भावना को समझते हैं कि जिस जवानी में लोग अपने आप को बचा के रखते हैं कि हमें कमाना है, हमें घर बनाना है, हमें ये करना है, उसमें आज़ाद जैसा, भगत सिंह जैसा, अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल, कितने नाम लिए जाएं। हम वो भाग्यशाली लोग हैं कि आज उन्हें याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस शाम की, इस सुंदर सी संध्या की शुरुआत के पहले एक जोरदार तालियां हो जाए। आज का ये जो कार्यक्रम है, जितने लोग बैठे हैं और जितने यहाँ बैठे हैं, ये इस बात का परिचायक है कि ये नितांत साहित्यिक कार्यक्रम है। भीड़ तो बहुत सारी होती है लेकिन भीड़ में कविता सुनने वाले कितने होते हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। हम साहित्य की बात करें तो साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणम न खादन्नपि जीव मानः तद्भावधेयं परमं पशुनाम। साहित्य को, कविता को लोगों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। किसी ने लिखा कि कविता करना अनंत जन्मों के, अनंत कर्मों के, अनंत पुण्यों का फल है। तो किसी ने बहुत सरल सी भाषा में लिखा, आप प्रकाश जी ने लिखा कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे। साहित्य क्या है ये सुनेगा कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे और आप हमको जो सुनोगे रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। ये साहित्य है। हम जो कवि है हमारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता लेकिन हमारे पास होता है शब्द, और शब्द जो है वो ब्रह्म है। शब्द की महत्ता ये है कि हम अपने शब्दों के माध्यम से एक पूरे बड़े कार्यक्रम को 5-5, 7-7 घंटे पूरी रात बांधे रहते हैं। ये सिर्फ हमारे सामर्थ्य की बात है। तो साहित्य में, कविता में वो बात है, जैसा कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम अपने यहाँ कविता पाठ के पहले, अपने कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले माँ वीणा पाणी को अपने शब्द पुष्प अर्पित करते हैं। तो बहुत थोड़े से शब्दों में माँ की एक आराधना चार पंक्तियों से, उसके बाद कि आइए माँ तू लगाइए आसन, राह तके हम बालक तेरे, आइए माँ तू लगाइए आसन, राह तके हम बालक तेरे, ओ अम्ब विलम्ब न आज करो, कर जोरे खड़े बहु साधक तेरे, अम्ब विलम्ब न आज करो, कर जोरे खड़े बहु साधक तेरे। मानस माँ बिहारो माँ सरस्वती, मानस माँ बिहारो माँ सरस्वती,
शाम न भूले कभी ये श्रोता कवि संचालक तेरे आज की शाम न भूले कभी ये श्रोता कवि संचालक तेरे आइए माँ तू लगाई शारदे को माँ वीणा पाणी को प्रणाम के पश्चात अपने कुछ शब्द पुष्पों के अर्पण के पश्चात अब मैं चाहती हूँ कि इस क्रम में हमारे कवि एक एक करके आए और आप साहित्य के उस रसास्वादन के उस स्तर तक पहुंचे कि आपको लगे कि आज शाम आप बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। और साहित्य इसीलिए जाना भी जाता है क्योंकि जो हमारा मानसिक भोजन होता है उसका कोई विकल्प ही नहीं है। आप दाल चावल की जगह पनीर खा सकते हैं, पनीर की जगह आप कुछ और खा सकते हैं, लेकिन हमारा अगर मानसिक भोजन पर्याप्त नहीं मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आइए हम मानसिक भोजन की उसमें चलते हैं और हम सबसे पहले जिसे आवाज़ देते हैं हमारे बीच में है योगेंद्र योगी। योगेंद्र योगी जी बहुत अच्छी रचनाएँ लिखते हैं, नया स्वर है, नया तेवर है और हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो उनका गीत एक है, इन्होंने गोपियों पर लिखा है, मुझे अपनी कुछ चार पंक्तियां याद आ रही, मैं उनकी भूमिका में ये कहती हूँ कि ना कोई गोपियां सखियां ना कोई बाधा हो, ना कोई गोपियां सखियां राधा कहती है कि सुनो कृष्ण जब इस जमाने में जाने दो, जब अगले वाले में मिलना तो मेरी भी कुछ शर्तें होंगी, ये नहीं कि आप 16,800 गोपिकाओं को लिए मुंह उठाए चले आ रहे हैं, मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि ना कोई गोपियां सखियां ना कोई बाधा हो और प्रेम के नाम पे बस सिर्फ एक राधा हो, प्रेम के नाम पे बस सिर्फ एक राधा हो और ना कोई रुक्मणी जीवन में हो कान्हा सुन लो, ना कोई रुक्मणी जीवन में हो कान्हा सुन लो, मुझे मंजूर नहीं प्यार मेरा आधा हो। बहुत बहुत आभार लाइव यूपी न्यूज का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस अवसर पे हमें आमंत्रित किया है। चूंकि गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है, अगर हम शहीदों को नमन नहीं करेंगे तो हमारा लिखना पढ़ना सब व्यर्थ हो जाएगा। मूलतः मैं श्रृंगार का हूं, डॉक्टर साहब ने जिसकी बात की है, प्रेम की बात की है, एक अच्छे गीत की बात की, उस गीत को भी आप सबके बीच रखूंगा, लेकिन उसके पहले राष्ट्रवंदना जरूरी है तो चार पंक्तियां उन शहीदों की शहादत के लिए देता हूं। शहीदों की शहादत से न बढ़कर कुछ फसाना है, शहीदों की शहादत से न बढ़कर कुछ फसाना है, न वंदे मातरम से श्रेष्ठ कोई भी तराना है, न वंदे मातरम से श्रेष्ठ कोई भी तराना है, मोहब्बत आपको होगी किसी माशूक से लेकिन, मोहब्बत आपको होगी किसी माशूक से लेकिन, ये योगी तो महज इस देश भारत का दीवाना है, ये योगी तो महज इस देश भारत का दीवाना है। और चार पंक्तियां इसी क्रम की ओर देता हूं। किसी के वास्ते पीने की आदत छोड़ सकता हूँ, किसी के वास्ते पीने की आदत छोड़ सकता हूँ, और किसी के वास्ते सबसे मोहब्बत छोड़ सकता हूँ, अगर बलिदान का अंतिम शिखर छूना पड़ा तो फिर, अगर बलिदान का अंतिम शिखर छूना पड़ा तो फिर वतन के वास्ते जीने की चाहत छोड़ सकता हूँ, वतन के वास्ते जीने की चाहत छोड़ सकता हूँ। बहुत आभार। और चलते हैं उस गीत की ओर जिस गीत की बात डॉक्टर साहब ने किया है।
भगवान श्री कृष्ण जब कंस के यहाँ चले जाते हैं तो राधा रानी का क्या हाल होता है और उस अन्य सखियों से अपने विरह को, अपनी वेदना को कैसे कहती है, उन पंक्तियों को, उनका एक चित्र खींचने का प्रयास किया है, सुनिएगा। प्रेम के जाल में बांध कर वो गया, प्रेम के जाल में बांध कर वो गया, सुध हमारी सुनो कौन लेगा सखी, दुख हमारे सदा जो मिटाता रहा, दुख हमारे सदा जो मिटाता रहा, अब भला कौन पीड़ा हरेगा सखी, प्रेम के जाल में। क्या भाव होते हैं आगे, राधा रानी सखी से क्या कहती हैं, क्या बताऊं सखी अब बिना शाम के, क्या बताऊं सखी अब बिना शाम के, कुंज गलियों में जाना कठिन हो गया, आँख में आंसुओं ने बनाया है घर, ओ सखी कठिन हो गया, एक वीरानगी, एक वीरानगी दे गया दृष्टि को, एक वीरानगी दे गया दृष्टि को, अब भला कौन आकर हरेगा सखी, प्रेम के जाल में। अगला भाव क्या होता है, क्या कहती है राधा रानी, कोई दिल को दिलासा नहीं दे सका, कोई दिल को दिलासा नहीं दे सका, कोई उद्धार नहीं कोई ज्ञानी नहीं, एक ऐसी कहानी रची शाम ने, जिस कहानी में कोई कहानी नहीं, एक गुमनाम गोपी बहुत रोएगी, एक गुमनाम गोपी बहुत रोएगी, जब ये सावन गगन से झरेगा सखी, अंतिम पंथ को देखिएगा क्या भाव होते हैं, कोई अपना नहीं सारे संसार में, सिर्फ मेरा तुम्हारा यही प्रश्न है, कृष्ण सा दूसरा और कोई नहीं, सारे संसार में एक ही कृष्ण है, मन हमेशा रहे, ये मन हमेशा रहे कृष्ण के साथ ही, तन का क्या है जिएगा मरेगा सखी, प्रेम के जाल में। बहुत बहुत आभार, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर इन्होंने काव्य पाठ किया और राधा को, राधा कृष्ण की बात चलती है तो उसमें एक नाम और आता है, उस जो प्रसंग से जुड़ा था द्रौपदी। कभी आप चंद्रशेखर मिश्र जी की वो रचना है द्रौपदी, अद्भुत लिखा है और आपको ऐसा
अभय निर्भीक, अब उसमें कुछ और धुरंधर टाइप का एक आध और जोड़ लिए होते हैं, तो अभय निर्भीक धुरंधर बहुत बढ़िया नाम गाता, बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं, और आज आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्रायः जो वीर रस के कवि होते हैं उनमें देशभक्ति कम देखने को मिलती है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन जो देशभक्ति की बात होती है वो आप अभय निर्भीक को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज की शाम जो है वो सार्थक हुई। हरभक्त पवार जी की कुछ पंक्तियों से मैं इन्हें बुलाती हूँ। उन्होंने लिखा कि प्रेम पीयूष का पान लिखा, सबके ही लिए सम्मान लिखा है, और शांति के दूत रहे हैं सदा, हमने नित मंगल गान लिखा है, और आंखें हमें जो दिखाई नहीं सहते हैं नहीं अपमान लिखा है, आंखें हमें जो दिखाई नहीं सहते हैं नहीं अपमान लिखा है, आगे बढ़े और शत्रु की छाती पर रक्त से हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम लाइव यूपी न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और गणतंत्र की इस बेला में मैं देश के उन सैनिकों को याद करना चाहता हूं, मैं उनकी शौर्य गाथा कुछ पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता और हमारे गणतंत्र को सुरक्षित रखा हुआ है। हमारे सैनिक कैसे होते हैं, कौन है सैनिक, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए मेरा अपना मेरे परिवार की बात है। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं, हंसते हंसते वक्ष स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं, हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं, जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं, जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं, अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, कैसे हैं हमारे देश के रक्षक, अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं, इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है, इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है, इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है, इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है, मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ, सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ, सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आपको अपने इस पावन भारत वर्ष की यात्रा शब्दों के माध्यम से कराना चाहता हूँ। आपका मन प्यार और आशीर्वाद आमंत्रित करता हूँ। आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे। कैसा है हमारा ये प्यारा भारत वर्ष, मैं इसकी यात्रा करा रहा हूँ शब्दों के माध्यम से। आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे, नाना से लेकर नानी तक, दादी की आना कानी तक, माँ की ममता के आंचल तक, काले टीके से काजल तक, ब्रज में माखन की चोरी तक, माँ की गोदी में लोरी तक, कान्हा के मुरली की धुन तक, पायल की रुंझुन रुंझुन तक, दिवाली से उस होली तक, कोयल की मीठी बोली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर की उठती लहरों तक, गाँवों से लेकर शहरों तक, अमृत से गंगा के जल तक, झरनों की मीठी हलचल तक, सरसों के पीले फूलों तक, पीपल पर पड़ते झूलों तक, मेलों के उन गुब्बारों तक, घर के आंगन चौबारों तक, खेतों से ले खलियानों तक, आंगन वाली दालानों तक, सब मजदूर किसानों तक, भारत के वीर जवानों तक, मंदिर से मस्जिद के दर तक, गुरुद्वारे से गिरजा घर तक, ध्यान प्रार्थना और वजू में आओ हम सब भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे, आओ अपना भारत घूमे इसकी पावन रज को चूमे, घूमे खुसरो की मुकरी तक। ये विशेष पंक्त आपका विशेष मन चाहता हूं। घूमे 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 खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक, घूमे खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक,
दोहे सांकी के गागर तक, कबीरा की झीनी चादर तक, पद्मावत से अखरावट तक चले, जायसी चित्रावत तक, सूरदास की सगुण भक्ति तक चले, कृष्ण की प्रेम शक्ति तक, गिरधर के मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, मालस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रहमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य खान तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सतसैया तक, जय शंकर आकाश दीप तक, आंसू झरना प्रेम सीप तक, चले निराला की बेला तक, परमल प्रीतम नौ बेला तक, भगत से जिज्ञासा तक, सचिदानंद की परिभाषा तक, चले सुमित्रा नंदक जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, रश्मिरति से प्राण भंग तक, दिनकर जी की काल जंग तक, चले सुभद्रा की वाणी तक, घूमे झांसी की रानी तक, श्याम नारायण से चेतक तक, हल्दी घाटी गौरी बंध तक, विंध हिमालय के सर्जन तक, शिव मंगल सिंह के गर्जन तक, मधुबाला तक, प्रणय पत्रिका मधुबाला तक, बच्चन जी की मधुशाला तक, भारत जी से युग युगाद तक, चले राम की जल समाधि तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंद बंद में बधी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में भी आओ आओ अपना भारत को सुनो। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। और इस कविता का अंतिम बंद मैं आपके बीच रखता हूँ। इस बंद पर निवेदन है, आप अपने इस पावन भारत वर्ष का मानचित्र अपने मन में रखिए और पूरे देश की यात्रा आप मेरे साथ कीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। घूमे केसर की घाटी तक, घूमे घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी गिद्धा लोहड़ी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, मौर्य वंश के राज मगध तक, फगुआ कजरी से मल्हार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदरवन तक, चले बांग्ला शांति मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उज्जयंत महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, खजुराहो की वास्तुकला तक, भीम भेट का चित्रकला तक, राजस्थानी परपाटी तक, वीर भूमि हल्दी घाटी तक, सत्य अहिंसा की डगरी तक, पूज्य द्वारिका कृष्णपुरी तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा के दिव्य भाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचिन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, रमन मस्के के रमन मस्के आओ उस भारत में घूमे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना सुंदर भारत दर्शन करवाया कि उसमें साहित्य, इतिहास और हमारे जो आदिकाल जो चीजें हैं जो हम लोग बहुत दूर दूर जाकर देख नहीं पाते, सिर्फ पढ़ते हैं, वो जो आपने एकदम सजीव चित्रण किया, वाकई बहुत अच्छा था। आपको बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक नया स्वर है, एक नन्ही कलम है, जानकी श्रीवास्तव। जानकी श्रीवास्तव हैं और हमारे परिवार की एक बिटिया है। बेटियों के बारे में जैसा कि मंद शीतल सुगंधित पवन जानिए, बेटियों को प्रभाती किरण मानिए। और ये बहुमा तथा दादियां नानियां होती परिवार के हित हवन जानिए। बेटी बेटी की जो भूमिका है, और वर्तमान में बेटी के बारे में पढ़ा जाए तो जैसे जैसे चीज़ें परिवर्तित हुई वैसे कलम ने अपने आकार बदले और कलम ने कुछ नया प्रकार लिया। तो कुछ ऐसे लिखा, मैंने कुछ लिखा, अब आप समझ जाएंगे कि क्यों लिखा, कि भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूं, भला तमाम सारे कैसे आप अपने दिमाग में रखिएगा, ट्विंकल का, निर्भया का, कि भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूं, आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूं, आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूं, और नारी जीवन सहज कहाँ है, घात लगाए कितनों ही, नारी जीवन सहज कहाँ है, घात लगाए कितनों ही, और सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं, नारी जीवन सहज कहाँ है, घात लगाए अपने ही, और सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं। और एक लिखा कि सुनेगा कि बोलो आखिर कितना झेलूं, बात बेटियों की होती है तो मन करता है कि हम वो सारी बातें कहें
जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, कि बोलो आखिर कितना झेलूं, अभय दान अब किससे ले लूं। तमाम सारे रिश्ते हैं अब जिसे बहुत सगा समझते हैं, वही परेशानियां आती हैं कि बोलो आखिर कितना झेलूं, अभय दान अब किससे ले लूं। और देख लिया पौरुष तुम सबका, सोच रही तलवार से खेलूं। देख लिया पौरुष तुम सबका, सोच रही तलवार से खेलूं। तो मैं एक बेटी को आवाज देती हूँ, जानवी श्रीवास्तव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम लाइव यूपी न्यूज को धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों को स्पर्श करके आपके समक्ष, जैसे कि गणतंत्र दिवस है तो उस पर कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। जो शब्दों से ना हो बया उसे कविता से हम कहते, जो सेना कर रही उसको सलामी आज है देते, जो कट जाते हैं सर सीमा पे उसका क्या ही कहना है, तिरंगा ना जो झुकने दे उसी का नाम सेना है। तिरंगा ना जो झुकने दे उसी का नाम सेना। जैसा कि अभी बड़े भैया ने बोला और सबने श्री राधा की और कृष्ण जी की पंक्तियाँ आप सबके समक्ष रखी, तो उसी तरह मैं भी कुछ पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष कहना चाहूँगी। अपने कृष्ण जी को समर्पित करती हूँ मैं। सुखा सुप्रभातम दर्श करति तेरा, सुखा सुप्रभातम दर्श करति तेरा, कि जानवी अब नमन करति तेरा, कि जानवी अब नमन करति तेरा। प्रभु तम प्रमाण मन है कंठित सुवेसा, प्रभु तम प्रमाण मन है कंठित सुवेसा, दरुण सा अरत से है वंदन सुवेसा, दरुण सा अरत से है वंदन सुवेसा। और इसके बाद जो एक कविता है आप सभी के समक्ष रखते हैं, वो मेरी प्रतिक्रिया है श्री कृष्ण के प्रति, वो सुनिएगा। मैं अब तो अरत सी प्रिय हो चुकी हूँ, मैं अब तो अरत सी प्रिय हो चुकी हूँ, मैं क्या थी मैं क्या हूँ मैं क्या बन चुकी, मैं क्या थी मैं क्या हूँ मैं क्या बन चुकी। रति तेरे रंग में रति बन चुकी हूँ, रति तेरे रंग में रति बन चुकी हूँ, प्रमत तेरे रस में प्रमन हो चुकी हूँ, प्रमत तेरे रस में प्रमन हो चुकी हूँ, पृथक ना हूँ तुझे से मगन हो चुकी, पृथक ना हो तुझसे मगन हो चुकी हूँ, कि मैं तेरे सम्मुख मिथुन हो चुकी हूँ, मैं तेरे सम्मुख मिथुन हो चुकी हूँ, मैं तेरी नजर की छवि बन चुकी हूँ, मैं तेरी नजर की छवि बन चुकी हूँ, मैं क्या थी मैं क्या हूँ मैं क्या बन चुकी हूँ, मैं क्या थी मैं क्या हूँ मैं क्या बन चुकी हूँ। अंतिम की चार पंक्तियाँ हैं। प्रमद नाम से मैं मगन हो चुकी हूँ, प्रमद नाम से मगन हो चुकी हूँ, वयस से मैं अपनी उदित हो चुकी हूँ, वयस से मैं अपनी उदित हो चुकी हूँ, तृषा तेरे संग की कथन बन चुकी हूँ, तृषा तेरे संग की कथन बन चुकी हूँ, तेरे नाम से मैं मुदित बन चुकी हूँ।
सुंदर सरल सार्थक शब्दों में अर्थ गांभीर्य को लिए हुए इनकी रचना। मैं जाह्नवी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जब नन्ही पौध लगाई जाती है तभी वो एक दिन बरगद का विशाल वट वृक्ष बन के सामने आती है, तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं इनके बहुत अच्छे भविष्य के लिए देती हूँ। अभी हमारे बीच में एक बहुत ही धुरंधर प्रशासनिक अधिकारी, बहुत अच्छे व्यक्ति और आदि आदि आदि, वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि इनकी पोस्टिंग अभी लखनऊ में ही है और हमें लखनऊ में ही रहना है, तो आप समझ सकते हैं, और यहाँ से सुरक्षित भी जाना है, पता है भगवान जाने कौन सी धारा में लपेटते हैं, है ना। तो इनका सम्मान आप सब भी ध्यान रखिएगा कि सम्मान में कोई कोताही ना हो। हाँ, वो बात अलग है कि हमें गम है कि घर में अन्न के दाने नहीं आए, उन्हें गम है सुराही जाम पैमाने नहीं आए, और दलालों की तो बस्ती से सलामत लौट आए हम, गनीमत थी कि राहों में कहीं थाने नहीं आए। वरना दलाल तो छोड़ देता है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय सम्मान इनका हो रहा है, इनकी बिरादरी के सारे लोग अगर ये देखेंगे तो पहले तो वो ले जाके इनसे कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम में मत जाए। ये बहुत अच्छे शेर लिखते हैं राकेश तूफान जी, इनका टाइटल नेम है तूफान। तो जब इनकी शादी हुई तो हमने, इन्होंने मुझे कार्ड भेजा, तो हमने कहा भाभी का नाम सुनामी तो नहीं है, हमने कहा अच्छा सुनामी है कि नहीं है, लेकिन हम बच्चों के नाम हम बताते हैं, बिटिया होगी तो आंधी है ना, लेकिन बात अच्छे तेवर के धनी है। बहुत अच्छे शेर पढ़ते हैं, मुझे, मैं शेर तो नहीं कहूँगी, वो क्या है मुझे नहीं पता, कुछ मैंने ऐसा लिखा, मैं इनकी भूमिका में वो कुछ बात रखती हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सब लोग समझ जाएंगे, समझदार लोग हैं, किसी समय में लिखा लेकिन आप उस समय को रिलेट कर लेंगे कि सही के जुर्म था फिर भी ना साबित हो सका मुजरिम। सलमान जी को सोचिएगा और मेरी ये बात सुनिएगा कि शरीके जुर्म था फिर भी ना साबित हो सका मुजरिम, अदालत तू भी तो बिकने पे आई सच कहाँ जाए, अदालत तू भी तो बिकने पे आई सच कहाँ जाए, और सियासत है चरम पर हर गली में 8-10 नेता, सियासत है चरम पर हर गली में 8-10 नेता, ऐसे में भला इंसान आखिर बच कहाँ जाए, ऐसे में भला इंसान आखिर बच कहाँ जाए। और जो कहता है कि ये दुष्कर्म है गलती जवानी की, जो कहता है कि ये दुष्कर्म है गलती जवानी की, कई पीढ़ी का वो कचरा दिमागी पच कहाँ जाए, और जवाहर बाग, इसकी अंतिम बात है कि जवाहर बाग तूने जिस सुहागन को किया बेवा, जवाहर बाग तूने जिस सुहागन को किया बेवा, भला अनुदान के पैसों से मेहंदी रच कहाँ जाए, भला अनुदान के पैसों से मेहंदी रच कहाँ जाए। तो बहुत सुंदर सी पंक्तियों के लिए, बहुत सुंदर से अशार के लिए मैं राकेश तूफान जी को आवाज देती हूँ, एक बार जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार डॉक्टर साहिबा का। देखिए पुलिस के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने कह दिया, मैं केवल एक बात कहूँगा कि वो जो आप हंस रहे हैं, मिश्रा जी उधर बैठे हुए हैं, और डॉक्टर साहिबा भी सरकारी सेवा में ही हैं, और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो जिस थाने की का जिक्र आप कर रही थी उसी थाने वाले ही आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाते हैं, कोई और नहीं बना सकता है। मैं बस इतना ही कहूँगा, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हम लोग, गणतंत्र का पावन अवसर है, गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई सभी दर्शकों को, और लाइव यूपी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपने यहाँ हमें आमंत्रित किया है। और जैसा डॉक्टर साहिबा ने बताया तो मुझे वहीं से अपनी कुछ पंक्तियाँ याद आ गई हैं। आज का जो गणतंत्र का अवसर है वो
जो गणतंत्र सुनिश्चित हुआ, रूपायित हुआ हमारे देश में, उसके उसकी जो विरासत है उसको याद करने का दिन तो है ही है, लेकिन मंथन का भी दिन है कि हम याद करें कि आज के हालात कैसे हैं। वहीं से बात शुरू करता हूँ, पुलिस वाली बात से। तो जो समाज में दैनंदिन जीवन में देखा जाता है, जो मैंने काम करते हुए महसूस किया, वहीं से ये दो पंक्तियाँ निकली थी कि जहाँ पे झूठ है, नफरत है, बेईमानी है, जहाँ पे झूठ है, नफरत है, बेईमानी है, वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी है। जहाँ पे झूठ है, नफरत है, बेईमानी है, वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी है। और इनसे आबाद है वीरान हवेली अब तक, इनसे आबाद है वीरान हवेली अब तक, इन परिंदों की बड़ी हम पे मेहरबानी है। लेकिन आज ये आह्वान करने का भी दिन है कि जो नई नस्ल के लोग हैं, हमारे समाज के जो बाशिंदे हैं, उनको आगे आने की जरूरत है कि सियाह रात है, तारों पे नींद तारी है, सियाह रात है, तारों पे नींद तारी है, जुगनुओं आओ तुम्हें तीरगी मिटानी है, वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी है। जब बात हालात की चली है, तो आज हालात ऐसा भी होता है कि अगर हम कभी ईमान की बात करें, तो कभी ईमान की बातें कभी किरदार की बातें, कभी ईमान की बातें कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें, कभी ईमान की बातें कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। अब मीडिया के साथी हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन माफी के साथ माइक चूंकि हमारे हाथ में है, तो ये शेर तो मैं यहाँ कहूंगा कि चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें, और बताने लग गई है असल कातिल को मसीहा ही, बताने लग गई है असल कातिल को मसीहा ये, भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बात। बहुत धन्यवाद। और अपेक्षा ये है कि तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर, तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर, अब तो चलो आओ करें थोड़ा वफा वो प्यार की बात, चलो आओ करें थोड़ा वफा वो प्यार की बातें। और चूंकि ये पावन अवसर है गणतंत्र का, तो जो अपेक्षा है, जो होना चाहिए, उस पर मैं अपनी बात कहता हूं कि बोली भाषा मजहब वाली तहरीरें आजाद रहे, बोली भाषा मजहब वाली तहरीरें आजाद रहे, और मुल्क के सब बाशिंदों की तकदीरें आबाद रहे। और यही उम्मीद भी है, यही शुभकामना भी है कि नफरत के तहखानों से चाहे जितनी साजिश हो, नफरत के तहखानों से चाहे जितनी साजिश हो, आजादी के गैरत वाली शमशीरें आबाद रहे, मुल्क के सब बाशिंदों की तकदीरें आबाद रहे, और आजादी के दीवानों के रंग में डूबा रहे वतन, आजादी के दीवानों के रंग में डूबा रहे वतन, और गांधी भगत सुभाष की सब तक तस्वीरें आबाद रहे, नक्श मिटाए नफरत के, नक्श मिटाए नफरत के और दीवार सजाएं, नक्श मिटाए नफरत के और दीवार सजाएं हम, मुल्क में प्यार मोहब्बत की तस्वीरें आबाद रहे। एक चंद पंक्तियां हम आप छोड़ देते हैं इसका, हाँ, और ये गुस्ताखी भी करने की जरूरत नहीं है। ये जब हम इसकी जो पहली दो पंक्तियां हैं वो तब जहन में आई थी जब अभी पिछले दिनों रावण दहन का कार्यक्रम था, तो वहीं से निकला था। तो मैं अर्ज करता हूं कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, राम के पीछे सब लोग जाते हैं चलते हुए रावण के पुतले को दहन करने के लिए, कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले,
सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत धन्यवाद। राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले? सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। और रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। और सारे दरियाओं पे जो कब्जा किए बैठे हैं, सारे दरियाओं पे जो कब्जा किए बैठे हैं, आज उसको है वही प्यासा बताने वाले। बहुत धन्यवाद। और ये भी हालात हैं कि खर्च माँ बाप पे कोई भी नहीं करता है, खर्च माँ बाप पे कोई भी नहीं करता है, यूं तो बेटे हैं कई घर में कमाने वाले। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। खर्च माँ बाप पे कोई भी नहीं करता, यूं तो बेटे हैं कई घर में कमाने वाले। बहुत धन्यवाद, आभार। चार पंक्तियां और सुन लीजिए कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है, सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है, और अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। बहुत धन्यवाद, कि अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है, और उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, और इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है। बहुत धन्यवाद। उलझन ये तर्जुमानी है आस पड़ोस की ही। उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, और इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो लेके, साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो, तो मैं अभी उतार रहा हूं, इस साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो, लेकिन सागर से मिलने की खातिर दरिया होना पड़ता है। और शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओ, शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओगे, और दिन ढलते ही सूरज को भी जाकर सोना पड़ता है। बहुत धन्यवाद। और हम फूलों से चेहरे वाले, देखिए हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ये बात इसमें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि हम फूलों से चेहरे वाले मरहम जैसी तबीयत है, हम फूलों से चेहरे वाले मरहम जैसी तबीयत है, और जख्मों की खातिर तो भाई नस्तर होना पड़ता है, और अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, अब इनका मरहम कोरोना में जो लोग भुक्त भोगी रहे वही जानते होंगे, है ना? रोज आए दिन वीडियो आता था कि पुलिस ने ऐसे मारा, ये उनका मरहम था। बहुत अच्छे अशार पढ़े आपने, आपको सच में बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत सुंदर। अच्छा, आप इतने लोग बैठे उसमें भी ये मोहल्ला बहुत जागृत है। अभी नदी और समंदर की बात हो रही थी, तो बिना किसी भूमिका के मैं अपनी कुछ बात रखती हूँ कि वो मीठी नदी खारे समंदर से लगी कहने, कि वो मीठी नदी खारे समंदर से लगी कहने, बगावत पे हूँ तेरी इस बरस आऊंगी ना मिलने, बगावत पे हूँ तेरी इस बरस आऊंगी ना
पहाड़ों झरने मगर मेरे दीवाने भी। अभी जैसा कि हम सबको पता है कि हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम उन शहीदों को याद करते हैं, हम अपने उन रणबांकुरों को जरूर याद करते हैं। तो कुछ बात कहती हूँ कि सूची लिखूं शहीदों की तो होगा प्रथम तुम्हारा नाम, सूची लिखूं शहीदों की तो होगा प्रथम तुम्हारा नाम, सूची लिखूं शहीदों की तो होगा प्रथम तुम्हारा नाम। ओ जननायक भरी जवानी आई भारत माँ के काम, ओ जननायक भरी जवानी आई भारत माँ के काम। सच कहती हूँ भगत सिंह तुमसे उर्ण न होगा देश, खेतों में बंदूकें बोने वाले सत सत तुम्हें प्रणाम, वाले शत शत तुम्हें प्रणाम, खेतों में बंदूकें। जब उनके चाचा ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा मैं बंदूकें बो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बंदूकें क्या, कहा बंदूकों की खेती होगी और फिर हम उससे अंग्रेजों से बदला लेंगे। तो एक छोटा सा बच्चा जिसके मन में क्रांति के ये बीज बोए जा रहे थे, ये बीज पनप रहे थे। मैं एक गीत पढ़ती हूँ जिसका बस थोड़ा सा एक प्रसंग, एक चित्रण आपके सामने खींचती हूँ कि अपने मन में एक बात रखिएगा कि एक शहीद है, उसका बूढ़ा पिता है, बूढ़ा बाप है, जिस बाप की ये आदत होती है कि रोज अपने बेटे को एक पत्र लिखता था और वो आदतन आज भी पत्र लिखता है। लेकिन जब वो पत्र लिख लेता है तो उसे याद आता है कि बेटा तो है ही नहीं, वो भेजेगा किसे, और वो अपने बेटे की तस्वीरों का और पत्रों का संकलन लेके बैठा है। वहां से बात शुरू करते हैं, सुनेगा नया गीत है, वो पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। हमारे साथ जुड़िए, इस मन से जुड़िए कि ये शहीद की पूजा का एक गीत है, उस मन से जुड़िएगा कि बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। अब वहां का चित्रण एक सुनाती हूँ कि सोना द्वार चीखता आंगन चीत्कार करती बगिया, सोना द्वार चीखता आंगन चीत्कार करती बगिया, गली मुहल्ले शांत पड़े सब बस गुहार करती बिटिया, गली मुहल्ले शांत पड़े सब बस गुहार करती बिटिया, मेरे पापा ओढ़ तिरंगा
शहीदों के पिता कहते हैं कि मुझे बुला लेता अपने संग, मुझे बुला लेता अपने संग, मैं भी साथ ही मर लेता, मुझे बुला लेता अपने संग, मैं भी साथ ही मर लेता, वीरों के उस हवन कुंड में मैं भी आके तर लेता, बुला लेता अपने संग, मैं भी साथ ही मर लेता, वीरों के उस हवन कुंड में मैं भी आके तर लेता, बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता, रोज लिखे एक पाती तकिए के नीचे धर देता। हम नाम गाओ जो विभोर होके तुलसी सा, भाट बन गाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी, इनके उनके दरबार में जाने की जरूरत नहीं होती है, कि राम नाम गाओ जो विभोर होके तुलसी सा, भाट बन गाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी, और करी के भरोसो रघुनाथ पे जो छोड़ दो तो दुख दोष पाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी, और मानुष स्वभाव नहीं भूले उपकार करे, बात बात ताने नहीं देंगे तुम्हें राम जी, बात बात ताने नहीं देंगे तुम्हें राम जी, और एक बार राम जी के द्वारे कभी जा पड़ो तो द्वारे द्वारे जाने नहीं देंगे परिंदे भी सभी मुझ पर मोहब्बत यूं लुटाते हैं, परिंदे भी सभी मुझ पर
मोहब्बत यूं लुटाते हैं और मेरी खातिर जमीन पर आसमां लाकर बिछाते हैं। बहुत धन्यवाद। ये परिंदे भी सभी मुझ पर मोहब्बत यूं लुटाते हैं, मेरी खातिर जमीन पर आसमां लाकर बिछाते हैं। और इस पे तो ताली बजा ही देंगे कि हमारी शायरी को जब भी वो गुलरंग कहती है, हमारी शायरी को जब भी वो गुलरंग कहती है, फूलों के रंगों वाली, कि हमारी शायरी को जब भी वो गुलरंग कहती है, हसी लहजे से उसके हम तो गुलदस्ते बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हसी लहजे से उसके हम तो गुलदस्ते बनाते हैं और कई जख्मों के मरहम जिंदगी भर ढूंढते हैं हम, कई जख्मों के मरहम जिंदगी भर ढूंढते हैं हम और कई जख्मों को सारी उम्र सीने से लगाते हैं। बहुत धन्यवाद। कई जख्मों के मरहम जिंदगी भर ढूंढते हैं हम, कई जख्मों को सारी उम्र सीने से लगाते हैं। और ये मिश्रा जी के लिए है कि हमेशा एक तुझसा बेवफा किरदार खुलता है। ये खाती शायरी के हमेशा एक तुझसा, अच्छा ठीक है, ये जो नजर कर रहे थे, जो शायरी की जबान में कहते हैं नजर, ये वहां ना नजर करके इनको नजर करते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, हम सुनिए, हाँ देखिए, ना ना ना, मैं उनके ऊपर दूसरा नजर करता हूँ कि हमेशा एक तुझसा बेवफा किरदार खुलता है, हमेशा एक तुझसा बेवफा किरदार खुलता है, कभी जब यार कि न कोई हम सफर अपना न कोई बामोदर अपना, और बितानी किस तरह थी जिंदगी कैसे बिताते हैं। धन्यवाद। अब मैं चाहती हूँ कि वो है ना, एक रामचरित मानस में एक चौपाई है कि जनक सुता तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। तो आइए हम वहाँ पहुँचते हैं कि धनुष यज्ञ जहि कारण होई। तो मैं चाहती हूँ कि वो कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि अनिल जी गाते भी बहुत अच्छा है, हाँ, और हमने इनका इतनी बार सुना है, कुछ जो पुराने खास करके जो गाने हैं बहुत अच्छे से गाते हैं। मैं उन्हें स्वतंत्र करती हूँ कि वो कुछ शेर चूहा गीदड़ शायरी मतलब जो भी चाहे वो सुनाए, बाकी इतने लोग हैं, तालियां तो बजेंगी। अच्छा, तालियां इस कारण से भी बजेंगी कि भाई प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो जो मैं चाहती हूँ कुछ सुना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद मानसी जी। मानसी जी ने आज कहा है, आज चूंकि कवियों का सम्मेलन है तो मानसी जी हमारी पुरानी परिचितों में रही हैं, कभी कभी छोटी मोटी कविताएं मुक्तक हम भी लिखा करते थे, लेकिन हम काव्य शैली में नहीं, जरा पद्य शैली गद्य शैली में जाते थे। मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन किया करता था तो ग्रेजुएशन में मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, मैं आप जैसे कवियों के समक्ष रखूँगा। आप समझ सकते हैं कि युवावस्था का वो दौर, प्यार मोहब्बत आशिकी के दौर हुआ करते हैं, वहीं से निकल उस दौर से निकले हुए लोग थे, बैठे हुए लोग हैं। तो सुनाता हूँ, गौर फरमाइएगा। उस दिन तुम मुझे बहुत याद आई, उस दिन तुम मुझे बहुत याद आई, जब मैंने तुम्हारी दीपन से तुम्हारा नाम अपनी कॉपी पर लिखा। उस दिन तुम मुझे बहुत याद आई, जब मैंने तुम्हारी दीपन से तुम्हारा नाम अपनी कॉपी पर लिखा और फिर मिटा दिया, और फिर मिटा दिया कि कहीं तुम बदनाम ना हो जाओ, और फिर मिटा दिया कि कहीं तुम बदनाम ना हो जाओ, पर नीचे वाले पेज पर छप गया जैसे मेरे दिल पर, पर नीचे वाले पेज पर छप गया जैसे मेरे दिल पर। और फिर मिटा नहीं वो। एक
अगली कविता सुनाता हूँ, एक अगली कविता सुनाता हूँ। कमजोरियां नहीं थी तुम्हारी कोई, कमजोरियां नहीं थी तुम्हारी कोई, मेरी थी एक, मैं करता था प्यार, मैं करता था प्यार। एक और छोटी सी छड़का सुनाते हैं। उसने कहा मैं तुझमें कोई कमजोरी नहीं चाहती, उसने कहा मैं तुझमें कोई कमजोरी नहीं चाहती। सिहर उठा था उसकी बात सुनकर मैं कमजोरी ही तो थी वो मेरी, कमजोरी ही तो थी वो मेरी। ऐसे दौर से सारे साथी गुजरते होंगे। एक समय था जब हम लोग भी इस तरह बैठा करते थे, व्यवसायियों में उलझ करके साहित्य से दूर होते गए, लेकिन अच्छा लगता है साथियों के साथ बैठ करके। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर मानसी जी का कि आपने अपना समय दिया, भैया राकेश जी का कि आपने समय दिया, निर्भीक साहब का समय दिया, योगेंद्र जी ने समय दिया, जानवी जी ने समय दिया। और हम चाहते हैं कि हम लोग महीने में एक बार ऐसे बैठा करें, हंसी मजाक चलता रहे, गाना बजाना चलता रहे, यहाँ संगीत संध्याएं हम अक्सर आयोजित किया करते हैं, आप लोग भी आएँ उसका लाभ लें। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव यूपी न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से, आप सभी श्रोताओं के प्रति आभार, आप सभी कवियों के प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।